अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। कैसे हो बच्चों? मैं SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल से सुमैया टीचर बात कर रही हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है EVS और हमारा स्टैंडर्ड है सेकेंड। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वापस से देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये हम लोग 4 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ये हमारा यूनिट राउंड अप 1 है। लेट्स स्टार्ट। यूनिट राउंड अप 1, लेसन नंबर 1, माय बॉडी। हम लोगों ने लेसन नंबर 1 माय बॉडी में क्या क्या पढ़ा है वो यहाँ पर हम देखेंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट? हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई है। द लेग्स, हैंड्स, फेस एंड हेड आर सम इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स है। द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर एंड इंटेस्टाइन्स आर सम इंटरनल पार्ट्स। और ये सारे हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं। यानी लेसन नंबर 1 में हमने इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। नाउ लेसन नंबर 2, टेकिंग केयर ऑफ माय बॉडी। और लेसन नंबर 2 में हमने देखा था कि अपनी बॉडी की केयर कैसे लेनी है, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी केयर हम कैसे लेंगे। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर वर्ल्ड बेटर। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसके वजह से हमें ये वर्ल्ड में अच्छी तरीके से सब जानने को मिलता है। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। और हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स एंड सेव देम फ्रॉम डैमेज। हमें हमारे ये सभी सेंस ऑर्गन्स की अच्छे से केयर लेनी है और उन्हें नुकसान करने से बचाना है। नाउ लेसन नंबर 3, टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब लेसन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप्स के हाउसेस होते हैं। हाउसेस कैन बी बिग और स्मॉल, परमानेंट और टेम्पररी। यानी हाउसेस बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। टेम्पररी और परमानेंट, यानी जो कायम के लिए रहे वो परमानेंट और जो टूट जाए वो टेम्पररी। हाउसेस आर बिल्ट विथ मटीरियल्स फाउंड अराउंड नियर बाय। हमारे घर के आसपास जो चीज़ें मिलती है उन्हीं से हम घर बनाते हैं। हाउसेस में है फ्लैट और स्लोपिंग रूफ्स। और हाउस की फ्लैट और स्लोपिंग रूफ्स होती है। डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के घर होते हैं। जैसे हमने देखा था मूवेबल हाउस, फिर हमने देखा था टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस। मूवेबल हाउस में हमने देखा था कई जगह हाउस बोट होती है, राइट? और कोल्ड प्लेसेस में इग्लूज होते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस देखे थे। एंड लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा था द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में। वी ऑल नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड बी हेल्दी एंड एक्टिव। यानी हमें लिव जीने के लिए, ग्रो बड़े होने के लिए, हेल्दी एंड एक्टिव रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की। फूड कैन बी प्रोटेक्टिव, एनर्जी गिविंग और बॉडी बिल्डिंग। यानी फूड प्रोटेक्टिव भी होते हैं, एनर्जी गिविंग भी होते हैं एंड बॉडी बिल्डिंग भी होते हैं। वी शुड फॉलो ईटिंग गुड फूड हैबिट्स। यानी हमें अच्छी फूड ईटिंग फूड हैबिट्स अपनानी चाहिए। फूड कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। फूड को कच्चा भी खाया जा सकता है और पका कर भी खाया जा सकता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और जिसने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो और उसे लाइक भी करो और शेयर भी ज़रूर करो। थैंक यू।